कुल्लू जिला के मणिकरण घाटी के पीणी तलपीणी पंचायत के ग्रामीणों ने बैठक कर लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जनता ने सरकार पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि 6 साल पहले शुरू किया गया शारणी पीणी सड़क कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है। कुल्लू जिला की मणिकरण घाटी के पीणी तलपीणी पंचायत के ग्रामीणों ने बैठक कर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है। जनता का आरोप है कि शारणी पीणी सड़क निर्माण कार्य में उन्हें गुमराह किया जा रहा है। इस सड़क का कार्य कछुआ गति से चल रहा है। लोगों का कहना है कि यदि यही क्रम चलता रहा तो आने वाले लोकसभा चुनाव का वे बहिष्कार करेंगे। लोगों का कहना है कि शारणी पीणी सड़क को लेकर 6 बार सर्वे किया गया। जब भी चुनाव होते हैं तो सर्वे किए जाते हैं, लेकिन 6 साल पहले सड़क का काम शुरू होने के बाद भी उन्हें मात्र आश्वासन ही मिल रहे हैं। जिस गति से काम हो रहा है उससे लगता है कि अभी सड़क पूरा होने में कई और साल लगेंगे। कछुआ गति से चल रहे निर्माण कार्य से तंग आकर अब ग्रामीणों ने तय किया है कि अगर सड़क के कार्य में तेजी नहीं लाई जाती है तो जनता भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों को मतदान न कर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी। अपनी इसी समस्या को लेकर लोगों ने उपायुक्त कुल्लू यूनुस को एक ज्ञापन भी सौंपा। लोगों का कहना है कि सड़क सुविधा न मिलने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में सब्जी समय पर नहीं पहुंच पाती है और बीमार मरीजों को भी कई किलोमीटर उठाकर लाना पड़ता है। यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति और कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह से इस सड़क का कार्य चलता रहा तो वे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तलपिणी पंचायत के ग्रामवासी डीसी मोदी जी से मिले। इससे पहले भी हमने डीसी मोदी जी को ज्ञापन दिया था और डिपार्टमेंट से भी हमने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से भी कई बार हमने अपना रोष व्यक्त किया। पीणी तलपिणी मुखिया जो मार्ग जो है ये 2006 से भूमि पूजन किया, सॉरी 2013 में जो भूमि पूजन किया गया था, 2019 तक जो इतना धीमी गति से चला हुआ कि 6 साल में जो है सिर्फ 7 किलोमीटर कार्य हुआ, वो भी कच्ची सड़क का काम हुआ है। वहाँ के लोगों को आज भी शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो बहुत बुरा हाल है। सड़क के बिना कोई भी कार्य करना असंभव है। वहाँ के लोगों का सब्जी मंडियों में टाइम से सब्जी नहीं पहुँच पाती है, बीमार लोगों को उठा के लाना पड़ता है और वहाँ पर किसी क्षेत्र या बागवानी क्षेत्र में आर्थिक स्थिति जो वहाँ पर कमज़ोर होती जा रही है। वहाँ के लोगों ने आज जो 2019 का लोकसभा का चुनावी रंग जो है आज की डेट में जो है हर कोई वहाँ चुनाव का जो है बहिष्कार कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार जो है प्रशासन को भी सूचित किया, सरकार को भी सूचित किया गया, यहाँ पर जो है कार्य जो है तीव्र गति से चलना चाहिए ताकि यहाँ के पिछड़े क्षेत्र होने के नाते यहाँ सड़क का होना बहुत अनिवार्य है। परंतु मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, ये मात्र हमारा अधिकार नहीं है, ये एक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य भी है। इसके बावजूद हम भारत के नागरिक होने के नाते इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि सरकार की भी तमाम जिम्मेवारियां हैं और सरकार और देश एक एक नागरिक से बनता है। सरकार को और देश को और लोकतंत्र को प्रत्येक नागरिक की अहमियत है। अगर वो हमारे अधिकार की रक्षा नहीं कर पाते हैं, हमने एक डिमांड की है वो मात्र एक रोड की, रोड से हमारी तमाम जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है, क्योंकि एक सड़क से हमारी सारी व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, बढ़ने के लिए कोई टीचर तैयार नहीं है, फिर हमारा क्या बोलते एग्रीकल्चर हो, उसके लिए हमारे को ढुलान बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो घर के हमारी जो डेली नीड की जरूरतें होती है, डेली नीड की जो वस्तु है वो भी हमारे को बहुत महंगे दामों में मिलती है। तो सब समस्याओं का समाधान हमारे लिए सड़क है। अगर सड़क का काम सरकार नहीं कर रही है तो हम इस अधिकार का उपयोग भी नहीं करेंगे। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।